जिस समय 16-17 साल की मेरी उम्र थी, 1984 के दंगे जो नरसंहार उस समय हुआ था, वो भी हम लोगों ने अपना उस समय भी अपनी आँखों से वो मंजर देखा था, हम भी उसके पीड़ित रहे हैं। और इस दंगों ने हमारी वही याद जो है वो ताज़ा कर दी थी। When violence gripped Northeast Delhi's Gokulpuri, Mohinder Singh, an electronics shop owner, made sure his Muslim neighbors were taken to safety. हम लोग गोकुलपुरी मेन रोड पे अपनी शॉप पे बैठे कारोबार कर रहे थे कि अचानक तकरीबन 5:30 बजे के आसपास काफ़ी भीड़ बाहर से मेन रोड पे जिनके हाथों में डंडे वगैरह थे और जिन्होंने मुंह पे कपड़ा बांधे हुए थे, कुछ लोगों ने हेलमेट पहने हुए थे। हमारे यहाँ गोकुलपुरी मेन रोड पे काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। उस भीड़ के कारण गोकुलपुरी में एकदम तनाव, थोड़ा डर का माहौल हो गया था और पूरी मार्केट एकदम, सभी लोगों ने अपने शटर बंद कर दिए थे। और गोकुलपुरी में जहाँ मेरी शॉप है उसके पड़ोस में ही कुछ मुस्लिम फैमिलीज़ भी रह रही हैं और बगल में ही काफ़ी अच्छी बड़ी मस्जिद भी है, तो उस मस्जिद में भी उस समय नमाज का टाइम होने की वजह से काफ़ी लोग इकट्ठे थे। तो जो लोग मस्जिद में थे या फैमिलीज में थे उनमें काफ़ी टेंशन हो गई थी एकदम। तो उन लोगों ने जो माहौल एकदम डर का पैदा हो गया था, उस कारण जो है डर के कारण वहाँ से वो कॉलोनी को एकदम छोड़ने का उन लोगों ने फैसला कर लिया था। सिंह कॉल्ड अप हिज सन इंद्रजीत एंड द टू रिस्क देयर लाइव्स हेल्पिंग फैमिलीज मूव टू कर्दमपुरी। बेटे के पास बुलेट बाइक थी, मेरे पास स्कूटी थी और हमने दोनों ने तकरीबन 20-20 चक्कर के करीब लगाए होंगे गोकुलपुरी से कर्दमपुरी के बीच में। और उन 20-20 चक्करों में तकरीबन हमने 50 से 60 लोग गोकुलपुरी से कर्दमपुरी जो है हमने यहाँ पे शिफ्ट किए थे, रेस्क्यू किए थे। कुछ मुस्लिम जो घर हैं उनके ऊपर पथराव हुआ था और जिनके घरों को जलाया भी गया है, दुकानें हैं मेन रोड पर मुस्लिम लोगों की जो उनको लूटा भी गया है, उनको जलाया भी गया है। और इन्हीं सब माहौल के चलते हुए वो लोग यहाँ से फौरन निकलना चाह रहे थे। जो कुछ भी हुआ इसके पीछे कोई राजनीति के कारण ही हो सकता है और इस देश की राजनीति को हम आम आदमी जो है समझ नहीं सकते। तमाम कॉलोनी के लोग वहीं थे, उनके पास या तो कोई उस समय साधन या उस समय भय के कारण कोई आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन और भी कॉलोनी में जो मुस्लिम लोग थे, ये मस्जिद के पास लोगों को तो हमने ही शिफ्ट किया है और इसके अलावा आसपास के जितने भी मुस्लिम लोग थे, कॉलोनी के लोगों ने भी उन लोगों को मदद दी है, उन लोगों को वहाँ से निकाल के और लोगों ने भी इनको सहायता दी है। काफ़ी मुश्किलें फेस करी थी कि हम पीछे शॉप से, मेन रोड पे मेरी शॉप है, पीछे बैक साइड में हमारी गली में से हम उनको निकाल के लेके गए ताकि किसी की नज़र में ना आए, लेकिन रास्ते में काफ़ी पब्लिक वहाँ पर भी खड़ी थी तो वहाँ से भी हमने रास्ता काफ़ी चेंज किया था। सिंह सेज ही सॉ फियर इन द आईज ऑफ द किड्स दैट पर्सुएडेड हिम टू सेव देयर लाइव्स। उन लोगों में छोटे छोटे बच्चे भी थे, उनके चेहरे पे भय देख करके, मासूमियत देख करके हमारा भी दिल जो है पसीज गया था और उनमें हमें एक इंसानियत नज़र आ रही थी। कोई विशेष समुदाय या अलग से धर्म हमें कोई नज़र नहीं आ रहा था, जो कि जिनकी जान बचाने ही हमारा सबसे पहले धर्म था। उन लोगों ने शुक्राना किया है कि अगर आप ना होते तो शायद उनकी जान आज ना बच पाती और वो शायद इस दुनिया में ना होते। और उन लोगों के मन में बेशक अभी भी भय है, वो भय अभी नहीं जा पा रहा है। और बाकी इस इलाके में उस दिन कोई जान तो गई नहीं, बस यही हमें
खुशी है कि जान की हम लोग रक्षा कर पाए हैं। Even though now the situation seems calm, he says Muslim families are yet to return.